नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं AUKUS डील के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं, आपने इस पर्टिकुलर डील के बारे में जरूर सुना होगा, राइट? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में एक डील अनाउंस की थी, एक प्लेटफॉर्म में कहूंगा AUKUS अनाउंस किया था टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, राइट? इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाए, स्टडी आई के ऊपर मल्टीपल वीडियोस पड़े हैं, यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम। लेकिन आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर AUKUS डील की और उसका परिणाम जो हुआ है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हो फ्रेंच खबर है, फ्रांस स्टैब्ड इन द बैक, यानी कि फ्रेंच ऑफिशियल्स, फ्रेंच मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें किसी ने पीठ में छुरा भोंका है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये क्यों? ओवर द सबमरीन डील, क्योंकि AUKUS जैसी डील अनाउंस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जो ओरिजिनल सबमरीन डील थी फ्रांस के साथ उसको कैंसिल किया। उसके बाद काफी सारी रिपरकशंस हो चुकी है, तो इसके ऊपर हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि कैसे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी चर्चा रहेगी। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट है, अगर ये आपका ऑप्शनल है, तो ये चर्चा आपके लिए और भी मजेदार रहेगी और भी जरूरी रहेगी। क्यों? आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का, राइट? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी मतलब इन जनरल बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि USA एलेक्सिस डी टॉकेविल है, डेविड सिंगर है। प्रोडोमिनेंटली जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी है वो है माइकल डॉयल ने दी है। माइकल डॉयल की ये थ्योरी है जो कहते हैं डेमोक्रेसीज नॉर्मली डू नॉट गो टू वॉर। तो इसीलिए वो कहते हैं अगर पूरे विश्व में हम लोग डेमोक्रेसी स्प्रेड कर देंगे तो विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी पैरामीटर भी होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूके के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बिकॉज दे बिलीव इन दिस डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब यहां पे आपके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण बनेगा इस पर्टिकुलर थ्योरी को काउंटर करने के लिए। इट्स अ काउंटर पॉइंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, क्योंकि अगर आप यहां पे देखिए क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, तीन डेमोक्रेसीज, राइट? अब ये मत आर्ग्यू कीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम इज अ मोनार्की, बट इन जनरल आई एम टेलिंग थ्री डेमोक्रेसीज दे आर अगेंस्ट अनदर डेमोक्रेसी फ्रांस। और हम लोग अंत में ये बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर इन सब चीजों का क्या असर है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगी फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आल्सो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये एनालिसिस जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे @RahulSai222। मेरा फेसबुक, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का आईडी सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससीयू या फिर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारे आप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। काफी डिस्काउंट्स चल रहे हैं सितंबर 30 तक, डू अवेल दोस डिस्काउंट्स ऑल्सो। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप खबर के बारे में जरूर जानते होंगे, पिछले हफ्ते की खबर है। AUKUS डील अनाउंस की थी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था AUKUS एज अ पैक्ट टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब अगर संक्षिप्त रूप में बताना है यहां पे हुआ क्या था, यहां पे यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्या देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को देंगे न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करेंगे, राइट? जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खुद की जो न्यूक्लियर सबमरीन डील थी फ्रांस के साथ उसको कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं, फ्रांस और यूके के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है जरूर। तो इसके ऊपर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। AUKUS डील तो आप जान गए हैं, बैकग्राउंड क्या है, ओरिजिनल डील क्या थी। ओरिजिनल डील थी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, और यह डील साइन की गई थी 2019 में। आप खबर देख सकते हो, फरवरी 11 2019 की खबर है, अप्रॉक्सीमेटली 2019। ऑल्दो इसकी जो डिस्कशन चल रही है वो तो 2016 से ही चल रही थी इस पर्टिकुलर सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट की। फाइनली ये सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जहां पे 12 न्यू सबमरीन्स देने वाले थे, फ्रेंच सप्लाई करने वाले थे ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया पैसे देगा। इनिशियली द डील वाज अबाउट $35 बिलियन। अब ये $35 बिलियन है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। जब डील फाइनलाइज हुई उसके बाद और भी डेवलपमेंट हुई, तो ये कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द डील वेंट अप टू $55 to $60 बिलियन, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के जो नंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का नंबर है, $55 to $60 बिलियन की डील थी फाइनली। अब
ये बहुत बड़ी डील बताई जा रही थी, और इसको हम लोग अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर कन्वर्ट करें तो इट वॉज $90 बिलियन वर्थ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्थ डील, बहुत बड़ी डील थी। इनफैक्ट फ्रेंच जो मैगजीन्स थे, फ्रेंच जो मीडिया है, इसको डब कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी है, इससे फ्रांस एक बहुत ही बड़ा डिफेंस प्लेयर बन सकता है। इनफैक्ट ऑलरेडी वो डिफेंस प्लेयर है, और भी उनका ओहदा बढ़ सकता है। इनफैक्ट फ्रेंच नेवल इंडस्ट्री के शेयर्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव चले गए थे, और इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए कि 2019 में जब डील फाइनलाइज की गई थी, तो आज हम लोग 2021 में, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर मैं एक बायर हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे 12 सबमरीन दीजिए 2019 में, तो आपने काम तो शुरू कर दिया होगा, इजन्ट इट? यानी कि फ्रांस ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था, मटेरियल उन्हें खरीदा हुआ है, ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में चल रहा है सबमरीन डेवलपमेंट में। लेकिन सडनली एयू की यूएस डील आने के बाद क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया गेट्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, बट फ्रॉम वेयर? नॉट फ्रॉम द फ्रेंच, इट गेट्स इट बिकॉज ऑफ द एयू की यूएस डील, राइट? इस डील के तहत उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने वाली है, और उन्होंने अपना $90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का $90 बिलियन का प्रोग्राम जो है उसको स्क्रैप कर दिया। यानी कि फ्रांस से उन्होंने कह दिया कि अब हम सबमरीन नहीं खरीदेंगे। अब इसके बाद बहुत बड़ी रिपरकशंस हुई है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंच पर्सपेक्टिव से और एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से क्या हुआ। देखिए, अगर हम लोग फ्रेंच पर्सपेक्टिव की बात करें, जैसे कि मैंने आपको समझाया, मैंने ऑर्डर दिया है, आप ऑलरेडी बनाने में लगे हुए हैं, सडनली मैंने बोल दिया मैं ऑर्डर नहीं लूंगा, तो क्या करोगे, राइट? तो दूसरा पार्टी वुड बी एग्रीव्ड ऑब्वियसली, तो फ्रेंच इज एग्रीव्ड, ऑल्दो फ्रेंच भी काफी रियलिस्ट है, बट स्टिल अभी फिलहाल तो एग्रीव्ड है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है बिजनेस साइड की, यानी कि बहुत सारा पैसा उनका लग गया है, राइट? अ लॉट ऑफ मनी इज ऑलरेडी पुट इन टू दी सबमरीन डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आगे चल के हम लोग एक फोरकास्ट लगा सकते हैं कि कोई ना कोई लीगल रिकोर्स जरूर लेंगे फ्रांस, राइट? अभी फिलहाल तो काफी रिएक्शन आ रहे हैं, तो वो कुछ इंश्योरेंस या फिर कुछ कॉम्पेंसेशन जरूर मांग सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ये तो आने वाले समय की बात है। बट अगेन, ये केवल पैसों की बात है, सम सॉर्ट ऑफ लीगल रिकोर्स, सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस, सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ये जब भी होगा तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर देखिए तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। जब ये डील साइन की गई थी 2019 में, तो सबको लग रहा था कि इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस एक फ्रेंडशिप बना के कुछ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे, और इसके ऊपर बातचीत भी चल रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा लॉस है फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि 2019 से वी वर थिंकिंग कि फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया विल कोलैबोरेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, दे विल वर्क टुगेदर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये जो लार्जर फ्रेमवर्क था इंडो पैसिफिक का, ये भी चकनाचूर हो चुका है फ्रेंच के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट, राइट? तो ये है इमीडिएट रिपरकशन ऑफ द डील गेटिंग कैंसल्ड। लेकिन इसके बाद काफ़ी आलोचना, एक्यूजेशंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, फ्रांस की मैंने बात की थी आपको, फ्रेंच के मिनिस्टर्स, फ्रांस के जो मीडिया है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वी फेल्ट बैकस्टैब, ऐसा लगा है कि हमें किसी ने पीठ में खंजर भोंका है। बहुत सी स्टेटमेंट आई है कि वी फेल्ट फूल्ड, फ्रांस ने कहा है कि वी फेल्ट फूल्ड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने हमसे ये बातें छुपा के रखी लास्ट मोमेंट तक, एनएथ मोमेंट तक हमें नहीं बताया कि उनकी एयू के यूएस की डील चल रही है। इनफैक्ट अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात करें, ये जो एयू के यूएस का जो पैक्ट है, ये ऑलमोस्ट पिछले 18 महीनों से इसकी जो नेगोशिएशन है वो चल रही थी। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन ले लिया था इस एयू के यूएस ने। इसके चलते फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन डील के ऊपर ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह उठ गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पत्ते अंत तक नहीं खोले। आप यहां पे देख सकते हो, फ्रांस के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, ही केप्ट अस इन द डार्क इंटेंशनली, जानबूझकर हमें बताया नहीं एयू के यूएस डील के बारे में, जिससे हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। इसके बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रांस इज सो मैड अबाउट द ऑस्ट्रेलिया डील स्क्रैप दैट इट हैज कैंसल्ड अ बिग इवेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, राइट? वॉशिंगटन डीसी में जो इवेंट चलने वाला था फ्रांस का, उसको भी उन्होंने कैंसिल किया। यानी कि फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। इसके अलावा यूके फ्रांस डिफेंस समिट थी, उसको भी कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ द ऑकस रो, ए यू की यूएस रो, राइट? पैरिस इज फ्यूरियस एट ऑस्ट्रेलिया स्क्रैपिंग द डील। यानी कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशन के ऊपर भी एक परिणाम जरूर हुआ है, राइट? इसलिए मैंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा आपके लिए अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे चारों डेमोक्रेसीज हैं, राइट? ए ऑस्ट्रेलिया, यूके यूएस, ए यू के यूएस और फ्रांस ऑन दी अदर साइड। तो ये तीनों मिलकर ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांस को इन्होंने धोखा दिया। अब इसका और परिणाम क्या हो रहा है, देखिए
ऑस्ट्रेलिया तो खुद को डिफेंड किया है, उन्होंने खुद को डिफेंड किया है कि ये हमारे हित में है कि हम इसको स्क्रैप करेंगे, वी आर गेटिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम एयू के यूएस। इमैनुअल मैक्रों फ्रेंच प्रेसिडेंट और बाइडन अभी बात करने वाले हैं, सम सॉर्ट ऑफ रैप्रोचमेंट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो पैशंस आर एट द पीक। इनफैक्ट खबरें ये आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलियंस पोस्टेड है फ्रांस में, दे आर ऑल्सो फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लोकल बैकलैश। अब ये तो होना ही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ्रांस में मीडिया भी ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने धोखा दिया है फ्रांस को, तो एक लोकल बैकलैश जरूर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर हमारी कड़ी नजर रहेगी। लेकिन हम क्वाइट श्योर कि आप सोच रहे होंगे, सर ये जो चार प्लेयर हैं ये तो अपने आप में लड़ रहे हैं, तो इससे क्या परिणाम हो सकता है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी रिसेंटली एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अनवेल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट एडमिट्स दैट यूएसएस न्यू एयू के यूएस अलायंस इट केम एज अ सरप्राइज। ऑल दो यहाँ पे ज्यादा परिणाम नहीं हुआ, बट हम लोग इससे एक फोरकास्ट लगा सकते हैं कि ईयू की जो पॉलिसी है इसमें फ्रांस एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत ही मेजर प्लेयर है, और फ्रांस को अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हम लोग कह सकते हैं उनकी जो डिफेंस डील थी सबमरीन डील उसको स्क्रैप किया है। तो ईयू वर्सेस ये जो पैक्ट है इसके खिलाफ भी कोई डेवलपमेंट जरूर हो सकती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं देर वुड बी लैक ऑफ कन्वर्जेंस इन इंडो पैसिफिक विद रिगार्ड टू पॉलिसी ऑफ एयू के यूएस एंड पॉलिसी ऑफ ईयू गोइंग इनटू फ्यूचर, राइट। ये सब तो हो गई इन डेवलप्ड कंट्रीज की बात है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आऊंगा, वॉट एवर मैन, वॉट अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में क्या, राइट, इंडिया के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है। देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम लोगों ने चर्चा की थी इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलैटरल मीटिंग के बारे में, राइट। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की थी ऑन द ट्राइलैटरल मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रेंच डिप्लोमेसी फ्रेंच वेबसाइट, 4 मई 2021 का ये स्टेटमेंट है, राइट। इसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर की थी। इसका जो फ्यूचर है ये काफी क्वेश्चनेबल बन चुका है। इनफैक्ट अगर आप बात कीजिए इंडिया की, अब हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज अ पार्टी which is closer to all the three, right? On one side, Australia quad का part है, United States भी quad का part है, UK के साथ हमारे relations already अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रांस की बात करें, फ्रांस के साथ भी इंडिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस और इंडिया मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, अफ्रीकन कोस्ट पे, अफ्रीकन पोर्ट्स पे भी ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं जरूर, राइट। एंड इनफैक्ट फ्रांस इज इंटरेस्टेड इन द इंडियन ओशन रीजन, इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आने वाले समय में इंडिया के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है, इमीडिएट कोई परिणाम तो नहीं पड़ेगा, ऑल दो इंडिया को जैसे हम कह सकते हैं ये एक टेस्ट होगी इंडिया के लिए टू बैलेंस दीज बिग प्लेयर्स बिग डेमोक्रेसीज। लेकिन इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। क्या अपॉर्चुनिटी है, आप जानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ही इज ऑलरेडी ऑन अ विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे इनकी जो आइटिनरी है, इनका जो एजेंडा है उसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल मीट जो बाइडन, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल मीट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ही इज ऑल्सो गोइंग टू मीट द क्वाड मेंबर्स, और क्वाड मेंबर्स में होंगे स्कॉट मॉरिसन। और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक मीडिएटर बने, एक प्लेयर बने इन दोनों के बीच, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच कि जो उनकी टेंशन चल रही, जो तनावनी चल रही है उसको रिलैक्स करें। इससे इंडिया का भी ओहदा बढ़ेगा एज अ गुड प्लेयर, एज अ बेटर प्लेयर टू मीडिएट अमॉन्ग दीज प्लेयर्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर वाई कांट यूएस और यूके मीडिएट, क्योंकि अगर आप बात कीजिए ऑस्ट्रेलिया इस तरफ है, यूएस और यूके भी इन्हीं के साइड पे है बिकॉज ऑफ दी ए यू के यू एस डी। सवाल ये उठता है कि कैन फ्रांस बी अकोमोडेटेड इन दिस एयू के यूएस डील, ये एक सवाल उठता है। और इंडिया यहाँ पे मीडिएट कर सकता है, ब्रोकर कर सकता है कि फ्रांस को भी इस एयू के यूएस डील में ऐड करा दे, कुछ इस तरह की भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हो सकती है, इंडिया कैन प्ले अ बिगर रोल। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे ये एजेंडा जरूर रहेगा, इसके ऊपर हमारी कड़ी नजर रहेगी। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी आईक्यू। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।